ओम शांति। 21 सितंबर 2024 आज के ईश्वरीय महावाक्य बाबा ने साकार मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं, तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। प्रश्न, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? उत्तर, बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें? यह प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो, इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं, यह तो बहुत सहज। हम सब आत्माएं निराकार हैं, तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। तो बाबा कहते हैं, जब मेरा परिचय तुम बच्चों को मिल गया तो तुम्हें भी बताना है कि निराकार बाप हम आत्माओं का परमात्मा पिता है। कैसे है, उन्हें कैसे याद करना है, कैसे उनका परिचय देना है, तो ये सब दूसरों को भी परिचय बाप का देना है। बाबा कहते हैं, आप आत्माओं ने जब देह लिया तो देह के हिसाब से आप अलग अलग वर्णों में, मेल फीमेल, फिर रिश्तों में अलग अलग आपका रिश्ता बना, लेकिन अभी परमपिता परमात्मा जो अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहते हैं कि तुम सर्व मनुष्य आत्माओं एक निराकार पिता की संतान हो, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहन हैं और परमात्मा की एक ही आत्मा संतान, उस नाते भाई भाई। बाबा ने कहा कि सब कोई आत्मा मेल या फीमेल नहीं है, सब एक समान एक परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा आत्मा जैसे है, परमात्मा के समान है। बाबा कहते, तुम आत्माओं का घर शांति धाम, तुम्हारा असली पिता शांति का सागर, और तुम भी शांत स्वरूप आत्माएं हो। तुम भी निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, मेरा ऐसे पार्ट शरीर में आकर के नहीं होता है। मैं आता हूँ कल्प में एक बार तो वो भी दूसरे का देह लेता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। तो ऐसे बाबा ने कहा कि तुम बच्चे भी मेरा परिचय दे सकते हो। बाबा ने आज का जो बच्चों के किस प्रकार प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं, तो उत्तर में बाबा ने आज यही कहा कि बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें? यह प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो, इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं, यह तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं हैं, निराकार हैं, तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। शरीर रूपी पिता शरीर के माफिक ही होता है और आत्मा का पिता आत्मा के माफिक होता है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं बेहद के बाप पास बैठे हैं, यह भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर बैठे हैं, रथ पर ही आते हैं। कौन से रथ पर, कहाँ रथी बनकर के आते हैं? ब्रह्मातन का आधार लेकर। तो बाबा कहते हैं, बेहद का बाप कल्प कल्प इस रथ का, इस रथ में ही आते हैं, इस रथ पर ही विराजमान होते हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। जब बाप दादा कहते हैं, यह तो जानते हैं कि श्री बाबा हैं और वह इस रथ पर बैठा है, अपना परिचय दे रहे हैं, बच्चे जानते हैं वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएं, जिसको योग अग्नि कहते हैं। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़े ही कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे दूं।
बाबा कहते हैं, तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दें तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। जैसे तुमने बाप को जाना है वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी कह सकते हो कि हम सबका एक ही बाप है, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं है। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश है। जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा काल मूर्त है जिसका कोई काल नहीं है ना, अविनाशी आत्मा है, अविनाशी बाप की संतान है। शरीर विनाशी है तो ऐसे नहीं उसका कोई रूप नहीं है, बच्चों ने पहचाना है। बिल्कुल सिंपल बात है, आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता है यह भी जानते हैं। ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को ना जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सब जानते हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला, यह कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिला है। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है। गुरु के पास क्या मिल्कियत है यह कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है वही बाबा है, मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मिल्कियत है विश्व की बादशाही स्वर्ग। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वह उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पार लौकिक बाप के बने हैं, उनसे क्या मिलता है वह भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। यह नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह शिव तो है सब आत्माओं का फादर, इनको प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं वह हाजिरा हाजिर है, हजूर है, जानी जाननहार है। यह भी अब तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है, रात्रि भी मनाते हैं। जयंती तो मनुष्यों की होती है, शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है, अज्ञान अंधेरा है ना, दुखी दुनिया है ना, आत्मा का ज्ञान नहीं है ना। आ से आत्मा और या से ज्ञान नहीं है तो अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आकर के उन्होंने आ से आत्मा और ज्ञान से ज्ञानी बनाया, ज्ञान दिया आदि मध्यंत का। तो अंधेर जो था ज्ञान अंधेर वो विनाश हुआ ज्ञान सूर्य के प्रकटा होने से। तो अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सूर्य कौन है को प्रकटा कुछ नहीं समझते। बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। अब उसके पास ज्ञान है, ज्ञान का सागर भी है, ज्ञान दाता भी है। बाबा कहते हैं मेरे पास में ज्ञान है, जानी जाननहार हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, लेकिन वो ज्ञान रख करके मैं क्या करूंगा। तुम बच्चों को देकर तुम बच्चों को विश्व में बादशाही दिलाता हूँ। मुझे तो बादशाही चाहिए नहीं, मुझे तो सतयुग में आना नहीं है, इसलिए वो ज्ञान देते हैं।
तो बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञानी बनाकर फिर नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं, तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं, इस मिलन को ही मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है, यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वह फादर भी है, टीचर भी है। यह एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े, तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूं कैसे। तुम जीव आत्माओं को समझाने के लिए कच्छ मच्छ में किसी जानवर में आकर के तो ज्ञान दूंगा नहीं, और ऊपर से यदि कोई बिजली चमके तो उसको देख के तो मनुष्य डर जाएंगे, प्रेरणा से कोई बात बनती नहीं। बाबा कहते हैं आप टीचर को देख के तो टीचर नहीं बनेंगे, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डॉक्टर को देख करके आप सर्जरी तो नहीं कर सकेंगे, सर्जरी के लिए आपको पहले समझना होगा, फिर उसे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मेरा है, जब तक मैं किसी प्रकृति का आधार ना लूं, किसी देह का आधार ना लूं, तब तक मैं कैसे तुमको ज्ञान दूं, कैसे बोलूं, कैसे सुनाऊं, है ना। तो शरीर बिगड़ तो बोलना होता नहीं है, आत्मा थोड़ी बोल सकती है। तो बाप इस तन में आते हैं, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे, परंतु उसमें भी अभी देखो तो कई हैं ही नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है, सूक्ष्म वतन में विष्णु को चार भुजा वाला दिखाया है, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। लक्ष्मी अगर आगे होंगी तो लक्ष्मी नारायण, और नारायण आगे होंगे तो नारायण लक्ष्मी। तो ऐसे दो भुजा लक्ष्मी की, दो नारायण की, ऐसे दिखाते हैं। बाप समझाते हैं मैं धोबी हूं, कितनी गंदी मैली आत्माओं को धोते हैं आकर के, है ना। तो मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गंवा देते हो। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने, गीता ज्ञान अर्थात ब्रेन वॉश। जिस ब्रेन में इतना कुछ भरा हुआ है वो बाबा कहते हैं मैं उसका साफ करके तुम बच्चों को क्या करता हूँ, श्रृंगारित करता हूँ। आत्माओं का बाप है तो आत्मा का ही श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गंवा देते हो। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने। सबसे बड़ा दुनिया का समाज सुधारक है तो वो है परमात्मा। आत्माओं को अगर सिखलाते हैं तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो हे पतित पावन बाबा आकर पावन बनाओ। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दें यह तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है तब तो तुम आए हो ना। बाप पास आते हैं तो बाप कहाँ है, इस रथ में ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो यह है अकाल तख्त। तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो, यह सब तुम्हारे तख्त हैं, लेकिन बाप का तख्त ब्रह्मा बाप में है। और हम सबका अलग अलग अपना अपना तख्त है। बाबा कहते मेरा कोई तख्त नहीं है लेकिन मैं इस तख्त में आता हूँ। जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना। तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त अर्थार्थ निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, समझना बाबा के महावाक्यों को। बाबा कहते
तुम आत्माएं विराजमान हो, वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना। तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका कोई शरीर रूपी साकार जो दिखाई देने वाला शरीर है वो मेरा नहीं है। तो मेरा कोई साकार रूप नहीं, इसीलिए मेरा मैं निराकार हूँ। तो मैं आत्मा विनाशी हूँ, कब विनाश हो न सके, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। आत्मा कहती है कि मेरा ये शरीर है, इसे छोड़ मैं दूसरा लेता हूँ। मुझे आत्मा का पार्ट अविनाशी नुंधा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पार्ट शुरू हुआ था। 1-1 संबत, कौन सा शुरू होगा सतयुग में? 1-1। तो बाबा कहते हैं ऐसे 1-1 संबत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। घर कहाँ? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम से, निराकारी दुनिया से, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। बाबा कहते हैं ना, जहाँ आत्माओं का घर है वो है शांति की दुनिया। तो वहां से हम पाठ बजाने सतयुग में 1-1 में आते हैं। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। इसलिए थोड़े मनुष्य थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय कैसे दें। बाबा को ये बहुत वंडर लगता है। बाबा कहते हैं कैसे दें, ये कैसे हो सकता है ना, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो बाबा को वंडर लगता है, अरे तुम बाप के बने हो फिर बाप का परिचय क्यों नहीं देते। बाबा कहते हैं देने तो आना चाहिए। बाबा कहते तुम सब आत्माएं हो ना, हम सब कौन है? आत्माएं। वह हमारा बाबा है, सर्व की सदगति करते हैं। सदगति कब करेंगे यह भी तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प 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 के संगम योग पर आकर सर्व की सदगति करेंगे। वह तो समझते हैं, अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से ही कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है, आकाशवाणी होती है, रेडियो के द्वारा हम कोई सुनते हैं वार्ता, तो उसका भी तो रूप होता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा वो परे ते परे रहने वाले की भी तो आकाशवाणी है कि नहीं, उसके महावाक्यों का कुछ है ना, उससे हम क्या से क्या बनते हैं। तो बाबा कहते नाम रूप से कोई न्यारी चीज होती नहीं। अब नाम रूप से कैसे हो सकती है ना? तो बाबा कहते पत्थर पितर का भी नाम है ना, नाम रूप से कोई न्यारी चीज और थोड़े ही होती है, पत्थर भीतर का भी नाम है ना। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से पार जाना है, हद और बेहद से पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं इन सबको मैं लेने लिए आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल ईजी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज है ना। रावण को क्यों जलाते हैं? ईश्वर को हम क्यों खुशी से या दुख में या बिगड़ी बनाने के लिए याद करते हैं? क्योंकि वो है ही बिगड़ी बनाने वाला। तो बाबा कहते इस तरह उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज है ना।
तमो प्रधान होने कारण कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं है, है ही 84 जन्म, पुनर्जन्म भी सबका होगा, ऐसे थोड़े ही ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते ब्रह्म में जाकर लीन होंगे व मोक्ष को पाएंगे, यह तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं, वह है विनाशी। अब तुम बच्चे बेहद में खड़े हो, तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली हुई है हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, अभी बाप ने बताया है, आगे किसको पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं, बाप आते ही हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं, वो क्रिएटर डायरेक्टर आकर नई दुनिया की इस ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करवाते हैं, है ना। करण करावनहार बाप है, लेकिन कराने वाला बाप है, इसके द्वारा कराते हैं। तो बाबा कहते वह तो लाखों वर्ष कह देते, कोई बात याद भी ना आ सके, महाप्रलय भी कोई होती नहीं, महाप्रलय हो जाए तो बाबा कहते नई दुनिया कैसे रचेंगे, है ना। तो महाप्रलय होती नहीं, एक मुट्ठी कुछ मनुष्य आत्माएं मनुष्य बचते हैं जिसके द्वारा फिर नई दुनिया की रचना होती। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो, इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस नंबर वन, वही फिर 84 जन्म लेते हैं, उसके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको पतित से पावन बनना है, पतित पावन बाप ही है, पानी की नदियां थोड़े ही पावन कर सकती हैं, वो तो शरीर का मैल धोएंगे लेकिन मन का मैल तो परमात्मा ही धोएंगे ना। मन मैली है, मन का मैल उतारने का जो तरीका है वो तो सिर्फ मन का मालिक ही जानता है, आत्मा में जो चढ़ी है लेप छेप लगी है जो गंदगी चढ़ी है वो तो परमात्मा को ही पता है ना, कि कैसा क्या चला क्या हुआ, क्यों दुर्गति में आए सदगति में कैसे जाएंगे। तो ये सब नॉलेज एक बाप के पास है। तो बाबा कहते हैं यह नदियां है ना ये पावन नहीं करेंगी, पानी की नदियां थोड़े ही पावन कर सकती हैं, नदियां तो सतयुग में भी होती हैं, वहां तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता, यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है, बाबा का देखा हुआ है, उस समय तो ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा बाबा ने देखा है ना, बनारस जाके सब कुछ देखते थे, तो अभी वंडर लगता है पानी कैसे पावन बना सकता है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे कभी भी मुझो नहीं, परमात्मा की मत पर किसी भी प्रकार की मन मत या परमत मत लगाओ, सिर्फ श्री मत को चलाओ, श्री मत पर ही चलो। तो बाबा कहते मुझो नहीं कि बाप को याद कैसे करें, अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वह है कुख की संतान, तुम हो अडॉप्टेड बच्चे, जैसे एक गरीब का बच्चा कोई ले लेता है तो उसका फिर महकदार मालिक वही वारिस बनता है जिसको उठाते हैं, फिर वो अमीर हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अडॉप्टेड बच्चों की वो जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या, बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है तो उनको भूलना थोड़े ही है, लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या। परंतु यहाँ माया का अपोजिशन होता है, माया की युद्ध चलती है, सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है, आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है, बाप कर्म अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, वहां राज्य रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, विकर्म कोई होता ही नहीं, किसी का भी विकर्म नहीं बनता क्योंकि कर्म अकर्म हो जाता है, यह तो बहुत सहज बात है। रावण बाबा कहते यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है, ऐसे थोड़े ही कहेंगे रावण अनादि है, नहीं, आधा कल्प रावण राज्य आधा कल्प राम राज्य, तुम जब देवता थे तो तुम्हारे में कर्म अकर्म होते थे, अब यह है नॉलेज ज्ञान।
बच्चे बने हो तो फिर भी पढ़ाई भी पढ़नी है, बस फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि भी करने वाले हैं तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो, ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वह निशानी विष्णु को दे दी है क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं, उनको शोभता है। वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, वह है ही अहिंसा परमो धर्म, परमो देवी देवता धर्म। ना कोई विकार की काम कटारी होती, ना कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सतयुग के मालिक थे, नाम ही है गोल्डन एस, कंचन दुनिया। कंचन दुनिया, आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती हैं। कंचन काया कौन बनाते हैं? बाप। अभी तो आयरन एज है ना, अब तुम कहते हो सतयुग पास हो गया है, कल सतयुग था ना, तुम राज्य करते थे। तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो, सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, इस स्मृति में रहना है, हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। दूसरा, बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। वरदान है वरदानी बाप का, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, दो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हूँ इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। स्लोगन, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।